हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट्स सबसे। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पार्ट दूसरे में आप सबका स्वागत है GSY रूपसर चैनल पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की 26वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हनुमंतिया जिला खंडवा में शुरू आयोजित हुई। हनुमंतिया को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश संवर्धन उप समिति मैसर्स मयू यूनिकोटर्स लिमिटेड को जनपद मुरैना के सीतापुर में 100 करोड़ रुपए का फैब्रिक टेक्सटाइल परियोजना स्थापित करेगी। 63 राष्ट्रीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित हुई। हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो PPP के तहत बनेगा। इसे बंसल ग्रुप तैयार करेगा 3 वर्ष में। ये देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो वाईफाई जोन हुआ घोषित हुआ था। साथ ही ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भी स्थान है। यूनेस्को द्वारा भिंड जिले के गोहद किले को पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश शासन ने दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2017 को ग्वालियर से की। इसके तहत 5 रुपए में भरपेट भोजन आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 5वां कृषि कर्मटी पुरस्कार राज्य को मिला है। मध्य प्रदेश राज्य को यह 2015 में गेहूं श्रेणी में उत्पादन के लिए दिया गया। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 13 जिलों में टीकाकरण अवधि के द्वारा अक्टूबर दिसंबर में 2017 से जनवरी 2018 तक सघन टीकाकरण अभियान प्रत्येक माह 7 तारीख से प्रारंभ होकर 7 दिन चलेगा। झाबुआ जिले में रामा तहसील को दर्जा दिया गया है। वर्तमान में MP में तहसील की संख्या 374 हो चुकी है। किस संस्थान में ने देश में पहली बार देवास की नन मारिया को शहीद का दर्जा दिया? तो कैथोलिक चर्च है दुनिया का वेटिकन का, उसने इसे दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश प्रसन्नता संकेतक को तैयार करने वाला पहला राज्य बना। कार्यक्रम दिल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अगस्त 2017 को प्रारंभ किया। इसके नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन ने लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण आयुष मंत्री रुस्तम जी को चुना है। मध्य प्रदेश में वाणिज्य पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए नई हवाई पट्टी सिवनी मंडला दतिया में सास्ता बनाई जाएंगी। ये 3 जिले में, इससे पहले 26 हवाई पट्टियां थी, अब मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की संख्या 29 हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल मोबाइल H-Puchhbe का लोकार्पण स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने किया है। केंद्रीय स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत 60 गांव चयनित किए गए हैं। इसमें सीहोर, राजगढ़ और सतना जिले के 20-20 गांव को चयनित किया है। टीकमगढ़ की बड़ा गांव को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया। टीकमगढ़ में अब तहसील की संख्या 11 हो चुकी है। नरसिंहपुर जिले के विकास खंड को तहसील का दर्जा दिया जाएगा। साईंखेड़ा विकास खंड को अब जो है नरसिंहपुर जिले तहसील का दर्जा दिया, तो तहसील की संख्या 3 बढ़ गई है, नरसिंहपुर में 6 हो चुकी हैं। किस राज्य ने लगातार 3री बार पर्यटन का हॉल ऑफ फेम राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? तो अपना मध्य प्रदेश। मुस्कान अहिरवार कौन है? इन्होंने कच्चे मकान में लाइब्रेरी स्थापित करके ये शुरुआत की, इसलिए सरकार ने इसे 2 लाख रुपए की राशि दी है। भोपाल में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने 14 अवार्ड जीते।
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में पुलिस एंड फायर गेम्स में मध्य प्रदेश पुलिस के शत्रुघ्न यादव ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। तीसरी एशियन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस वन्य जीव प्रबंधन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर द्वारा किसे 2017 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया? तो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया। दतिया जिले से शुरू हुआ रतन नदी का अभियान 62 इनोवेशन में शामिल किया गया। इसमें हितकारी को लाभकारी जो हैं उन्हें 90,000 रुपये दिया जाता है। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंडला, छिंदवाड़ा, दमोह में, मंदसौर में फूड पार्क स्थापित किए। नए फूड पार्क सतना जिले में अमकुई में, सॉरी कटनी जिले में अमकुई स्थान पर दाल का एक फूड बाजार, दालों का बाजार, मेगा फूड पार लगाया मंदसौर में, कसरावद में एक मेगा फूड पार लगा हुआ है। ग्लोबल स्केल पार्क का शिलान्यास भोपाल में जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग का गठन कृषि कल्याण कृषि विकास विभाग के अंतर्गत किया। आवास की गारंटी देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। 20 अप्रैल 2017 को यह अधिनियम पारित किया गया। देश में पहली बार ट्रैफिक को रोबोट द्वारा संभालने का प्रयोग इंदौर में MR9 पर 18 जून 2017 को महिला सशक्तिकरण के दिवस पर किया गया। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित होने वाला रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। दतिया में सुगर मिल का प्रारंभ नरोत्तम मिश्रा जी ने 26 दिसंबर 2016 को किया। चित्रकूट में सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। प्रदेश का पहला RTI ISO प्रमाण पत्र इंदौर परिवहन को मिला। प्रदेश की पहली अंडा सेल भोपाल में है। प्रदेश का पहला आपदा ट्रेनिंग सेंटर हिनोतिया आलम में भोपाल में बनाया जाएगा। सार्क 2 दिवसीय स्पीकर सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ। 23 जून 2017 को चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज में दोषी पाया। प्रदेश के कटनी जिले में नए सोने के भंडार मिले हैं। आननम योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने की है। मध्य प्रदेश सरकार 6 अगस्त 2016 को आनंद विभाग की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना जिसका शुभंकर जारी हुआ। कान्हा टाइगर रिजर्व इसका शुभंकर बारहसिंगा है, भूर सिंह बारहसिंगा। इसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान में 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, पहले से बढ़ा दी गई है। 2016 का राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय गायिका मंजूषा कुलकर्णी को दिया था। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। 1 अप्रैल 2017 से मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी दर 172 रुपए मिलेगी। देश का पहला राज्य जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी बनाएगा। मध्य प्रदेश भू संपादक विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को कौन सा विश्वकर्मा अवार्ड मिला है? नोवा अवार्ड। मछली पालन के लिए तालाब बनाने वाला कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा? 50% दिया जाएगा। पानी में डूबने नाव दुर्घटना से मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी हो गई है? 4 लाख रुपए दी जाएगी। अब सागर जिले के कड़ान मदम सिंचाई परियोजना को 385 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। बिलगांव सिंचाई परियोजना डिंडोरी के शाहपुरा तहसील में है। दीनदयाल पोषण पुरस्कार मध्य प्रदेश में विशेष बनज अभियान के तहत सामने आए कम बनज पोषण स्तर सुधार महिलाओं को दिया जाएगा इसका लाभ। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई।
इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार मेगा फूड पार्क की मंजूरी जो है मंदसौर में मिली। यह चेतक इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी द्वारा मंदसौर के दालोदा बाजार में स्थापित किया जाएगा। समग्र आबकारी नीति मध्य प्रदेश सरकारी की मंजूरी कब मिली? 16 जनवरी 2017। फिर है शिवपुरी जिले का कौन सा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? खनियाधान तहसील के ग्राम पिपलौदा के विष्णु मंदिर को मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 5 प्राचीन राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किए हैं। 5 अगस्त 2017 को दतिया में सप्ताह के 2 दिन विमान सेवा शुभारंभ की गई है। शनिवार और सोमवार को 8 सीटर विमान होगा जो दिल्ली तक जुड़ गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर आकस्मिक घर पहुंच पशु चिकित्सा सेवा कब से शुरुआत की गई? 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़वानी जिले से शुरू की। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जबलपुर में स्थापित किया है। ये हमारा मध्य प्रदेश का तीसरा भाग, दूसरा भाग कंप्लीट हुआ, तीसरा भाग इसके बाद ही आपको चैनल पे अवेलेबल होगा।